एनएमए का एक पद होता है उसमें कार्यरत हूँ, और हम एक हम लोगों में बीमारी होती है कुष्ठ रोग। अमिताभ बच्चन ने प्रचार कभी सुना हो टीवी पर, इमलित्री खाओ कुष्ठ मिटाओ? नहीं। उसकी दवा यहाँ पर जो है कुष्ठ की इमलित्री जो मिलती है निःशुल्क मिलती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को पसंद नहीं करना ठीक है। आप बोलिए सर, सर के लिए, सर के लिए तालियां बजाइए। आप लोग किस किस्म से आए हैं? मर्यादा पूर्वक भी नहीं कर रहे। देखो बच्चे, कुष्ठ रोग मानव का जब से जन्म हुआ है तब से ही ये केवल मनुष्य में होता है और किसी प्राणी में नहीं। तो पहले अगर कुछ रोग होता था किसी को, उसकी दवा नहीं थी, लोग गांव से बाहर कर देते थे। हमारे महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका गए थे तो उस समय उनको बहुत बुरा लगा कि एक आम सभा कर रहे थे, कुछ लोग बहुत दूर से सुन रहे थे। वो पूछे हैं कि वो लोग कौन है, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि कुष्ठ रोगी हैं, इनको समाज में आना पड़ा। उनको बहुत आत्मग्लान हुई, और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने प्रण था। खैर तो हमारे महात्मा गांधी की बात है, लेकिन कुष्ठ रोग की पहचान सबसे पहले सन 1873 में जार्डन के डॉक्टर थे डॉक्टर जे जॉनसन, जे हैंसन, उनको खुद ही रोग हो गया था। तब वो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और इसको हैंसन डिजीज की पहचान हुई, हैंसन डिजीज। बाद में इसको कुष्ठ रोग के बाद में बताया गया। इसका परिचय था।